हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग अबे में। ओ 4-5 दिन से कहा था, आज याद पड़ रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए। छोड़ दे अपना काम कर। चलो मैं बता देता हूँ, 4-5 दिन से कहा था। तो 4-5 दिन से मेरा तबीयत कुछ खराब चल रहा था, इस कारण से मैं वीडियो क्लास में मैंने बता दिया था कि मेरा तबीयत थोड़ा वीक चल रहा है। ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी लाइफ में, तो उसको सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो वो सब सॉल्व हो चुका है। तो चलो आज का डे स्टार्ट करते हैं और ब्लॉगिंग यहाँ से डेली करते हैं हम लोग। अब नहीं गैप होने वाला, देखो चैलेंज लिया था तो चैलेंज तो कम्प्लीट किया था। 365 वाला डे जो था ना चैलेंज, वो भाई बहुत हार्ड हो जाता है और बीच में तबीयत भी खराब हो गई। वैसे सौरभ जोशी की भी बहुत बार तबियत खराब हुई, बट वो बंदा अलग लेवल पे है, वो कैसे भी करके ब्लॉगिंग कर लेता है। चलो आज का डे स्टार्ट करते हैं जी। शहर में सब कोई पार्क में सनलाइट को कंज्यूम करता है, हम लोग गांव में ट्रैक्टर के पास करते हैं। ट्रैक्टर देख रहे हो, ट्रैक्टर नॉर्मल ट्रैक्टर से बहुत बड़ा, जहाँ मेरे हाइट तक इसका सिर्फ टायर है, देख सकते हो इधर। ये दिखा था ट्रैक्टर का व्यू कुछ इस कदर है, और यहाँ से सीढ़ी है इसका चलने के लिए ऊपर। क्या मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, गाँव में ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से जगह वहाँ पर बैठ सकते हो। इसका इंजन महिंद्रा, ड्राइवर जो बैठता है वहाँ से कुछ व्यू वैसा, यहाँ से बैठ के चलाता है कोई भी ट्रैक्टर का ड्राइवर। तो सामने का उसको वहाँ का टायर के पास का नहीं दिखता है, साइड से देख सकता है क्या चल रहा है। इसका साइलेंसर के अंदर बैठ के कुछ ऐसा लगता है, मतलब साइड से सनलाइट आती है, बीच में नहीं आती है क्योंकि ऊपर ये लगा हुआ रहता है। वे नहीं जानते होंगे, देखो एक इधर गियर है, फिर इधर गियर है, फिर ये हैंड एक्सीलेटर है, और उसके बाद किधर गियर गया, एक और गियर था अभी, यहाँ पर ये गियर है, ये पैरेट है, ये गियर है, फिर ये PTO है, इसको PTO कहते हैं, और फिर ये भी गियर रखा है उधर का, वो जो रहता है जो खेती करने के लिए उठाया जाता है। पीछे ये रोटावेटर लगा हुआ है, ये माटी के ऊपर एकदम उधर थ्रेसर लगा हुआ है। हला हेलो, इसमें माल ले आया, ले आया और ले आया जाता है। वैसे खेत में यूज होता है मेनली, मेनली भूसा वगैरह सब ढोने के लिए यूज होता है। पहले मैं डेली यहाँ पे बैठ के मतलब कि शाम के समय पबजी खेला करते थे हम लोग। नहीं खेलता हूँ। हाँ तो भैया जी, अभी का सीन कुछ इसका तरह है कि हमने खाना पीना सब सुबह का खा चुका है और दवाई वगैरह भी खा लिया। वैसे अभी बस मैं इंतजार कर रहा हूँ नेट कनेक्शन मेरा ऑन होने के लिए, मतलब जियो चल नहीं रहा है आज। सीधी सीधी भाषा में कहे तो पता नहीं जियो आज क्यों नहीं चल रहा है, ना एयरटेल ही चल रहा है। कुछ डाउनलोड करना था डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे, और ऊपर से इंटरनेट का बहुत सारा काम था, वीडियोज के इफेक्ट्स वगैरह बहुत सारे न्यू न्यू ट्राई करने थे, तो वो नहीं हो पा रहे हैं। छत पर जाके नेट चलाता हूँ, नहीं तो उधर खेत में बहुत दूर जाके नेट चलता है तो चलता है। जियो एयरटेल आज नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत कभी चल रहा था चल रहा है। वैसे मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ जिसको नहीं पता, बता देता हूँ। जब मेरा इंटरनेट नहीं चलता जियो में, तो एक फोन से दूसरे फोन पे मैं कॉल कर लेता हूँ, जिस कारण से मेरा जियो का जो कनेक्टिविटी वो बहुत बढ़ जाता है, तो नेट चलने लगता है। फिर ट्राई करके देख सकते हो, जिसके पास जियो का सिम है जरूर काम करेगा। वैसे मैं अपने गली में बैठा हूँ, देख सकते हो ये गली है, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ अपने गेट के पास, बस ऐसे ही बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो भैया जी, अभी का सीन कुछ इसका तरह है कि हमारे चौक पे अपना दाढ़ी कटवाना है, जो बहुत दिन से बहुत बढ़ गया था, और साथ में डायरी में खा रहे हैं अभी, और इधर हैं जिनसे हम बार बार बाल कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं। दुकान है पर बहुत अच्छा है। तो भैया जी, अभी तक का होलिया मेरा कुछ इस कदर है, देख सकते हो अभी ये दाढ़ी जो है सेट होगी अभी, पर अभी भी ठीक लग रहे हैं। हाँ तो भैया जी, दाढ़ी और बाल दोनों कट चुके हैं, अब चलते हैं घर पर नहाने। ऐसे दूर अंकल मुझे बुला रहे हैं कुछ काम रिलेटेड, घर चलते हैं। अभी नहाना वगैरह सब हो चुका है और दाढ़ी भी मैंने कटवा ली है, वहीं पे चौक पे दिखाया था। और सबसे पहली बात, अभी मुझे जाना है दुरंकल के यहाँ, थोड़ा बहुत उनको टिकट बुक करना है एक, तो चलते हैं वो बुक करते हैं। सबसे एक और बात, आज बहुत ठंडा लग रहा था, पता नहीं क्यों नहाने में यार गीजर बंद करके नहाया हूँ, क्योंकि थोड़ा हेयरफॉल हो रहा ना, तो उनने बोला है कि गर्म पानी का यूज नहीं करना है आपसे, तो नहीं यूज करेंगे हम। तो चलो अब चलते हैं ध्रुव अंकल के घर पे। ऐसे सीरियस काम करते हुए आपने किसी इंसान को नहीं दिखा होगा आज तक, मुस्कुराहट नकली है, इस पे ध्यान ना दें। तो हाँ भैया जी, अभी का सीन कुछ इसका दर्द, जो मेरे पीछे देख रहे हो ये कुआ है जो बहुत ही गहरा है, सबसे पहली बात तो। और एक और बात कि अभी आया हूँ मैं फुक्चा खाने, तो खा के हम चलते हैं घर पे। वैसे मैं बाहर ही घूम रहा था दुरंगल से, फिर वहाँ से बाद में सनी के घर चला गया था, ऐसे घूम फिर रहा हूँ। आज फुल्ली घूम फिर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं काम वगैरह। ये जिसको खाने का मन कर रहा है देख के पेट भर लो अभी के लिए। तो भैया जी, अभी हो चुका है शाम, और शाम के 4 बज रहे हैं, और हम जा रहे हैं बाहर घूमने। चलो बाहर घूमने चलते हैं, आपको भी घुमा देंगे, कुछ घुमाने लेके आएंगे। तो देख सकते हैं सोन नदी वाला रास्ता है, चलो इसके आगे चलते हैं। देखिए ये हमारी सोन नदी, और बहुत मस्त लग रही है। अभी शाम का समय हो रहा है, 6 बज रहे हैं, दानी लाइफ हो रही है। वैसे उधर एक कुत्ता है जो हमसे नाराज है, बुला रहा है उसको नहीं आ रहा है। अब वैसे छठ पूजा की तैयारी होने लगी है, समय फिर चल रहा है, सोन नदी को साफ किया जा रहा है, जो यहाँ पे घाट बनेंगे।
जितना भी सब जंगल टाइप का दिख रहा है ना, ये सब पूरा साफ हो जाएगा। पेड़ को नहीं बोल रहा हूँ, नीचे जितना भी है ना सब घास फूस ये सब साफ हो जाते हैं छठ पूजा में। तो भाई चलो आप घर चलते हैं, तो घर चलने का समय हो चुका है। चलिए आइए, आप भी आइए हमारे साथ, चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी सोन नदी से डायरेक्ट हम लोगों की यहाँ पे लैंडिंग हुई है। अब यहाँ से हम लोग टेक ऑफ होते हुए जा रहे हैं हम लोग बाहर अपने दोस्त यार साथ एंजॉय करने शाम को। तो चलो आपको भी साथ में एंजॉय कराया करेंगे हम लोग। इधर नवीन यूएसबी के साथ खेल रहा है, गजब का टेक बंदा है। तो लोग किसी और के साथ खेलते हैं, ये यूएसबी के साथ खेल रहे हैं। मिलते हैं कुछ देर बाद अभी। तो भैया जी उस टाइम के आपको बोला था कि मैं घूमने जा रहा हूँ दोस्तों यार साथ के, पर घूमने नहीं गया था, फिर आ गया था मैं तुरंत घर पे क्योंकि मुझे काम याद आ गया था। वैसे आज खाने में फिर डेली की तरह नेनुआ ही बन रहा है, खा के पक चुका हूँ नेनुआ, कहीं सोयाबीन बनाने का बोलूँगा। तो ये रहा हमारा नेनुआ डेली का, वैसे चना डालोगे अच्छा लगेगा खाने में। खाना वगैरह खा के हम मिलते हैं आपसे, वार्तालाप करते हैं कुछ देर बाद अभी। अभी ना तो सब हो चुका है, अब चलो सोने जाते हैं हम, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब मिलेंगे कल एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।